हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कनेक्शन बाय प्रियंका। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा लीफ, और इसको हमने बनाया है मैगजीन पेपर से। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैगज़ीन या फिर आपको न्यूज़पेपर लेना है। उसके बाद आपको ये ऐसी कोई भी स्टिक अगर आपके पास है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप सलाई जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये बैम्बू स्टिक है। और एक चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको हम इसके ऊपर रख के कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे निशान लगा लेंगे। अगर आप जो है वो न्यूज़पेपर से ये ट्यूब्स बना रहे हैं तो आपको 7 सेंटीमीटर के ऊपर ये निशान लगाने हैं, क्योंकि आपका जो न्यूज़पेपर रहता है वो थोड़ा सा थिन रहता है कंपेयर टू मैगजीन। और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें ये स्टिक लेना है और इस पेपर को यहाँ आराम से फोल्ड करना स्टार्ट करना है, और ऐसे ही हमें जो है वो दोनों हाथों की हेल्प से इसको आगे की तरफ फोल्ड करना है और लास्ट में हल्का सा ग्लू लगा देना है। तो ऐसे आप ये ट्यूब्स इजीली बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ सेम प्रोसेस। इसको हमें राउंड शेप देना है एक साइड से, इसलिए हम इसको एक साइड से कट कर देंगे। दोनों साइड से उसको कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम कलर के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग बंडल्स बना लेंगे। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसके ऊपर लीफ की जो है वो पैटर्न हम उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, और उसको हम फिर सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। ये जो कार्डबोर्ड है ये आपको ईजिली जो क्राफ्ट शॉप है वहाँ पे मिल जाएगा, और आप इसमें कोई भी पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि गिटार आप इस पे बना सकते हैं या फिर फिश शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद मैं ये फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर ले रही हूँ ब्लैक, और इसको मैं पूरे लीफ के ऊपर अप्लाई कर दूँगी।
ये ट्यूब्स आराम से एक के अंदर एक इजीली डल जाती हैं, तो ऐसे करके हमें इसको इसके अंदर फिट करना है और ऐसे इसको यहाँ पे रख देना है। अब ये वाइट कलर के प्रिंटेड वाली ट्यूब्स मैं ले रही हूँ और इसको यहाँ पे हमने रखना स्टार्ट करना है। सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि जो कटिंग वाला आपका पार्ट था वो हमें अंदर की साइड करना है, तो ऐसे हम इनको पेस्ट करते जाएंगे। तो जो हमने एक साइड में जितनी भी ट्यूब्स लगाई हैं उतनी ही ट्यूब्स हम दूसरी साइड में लगा लेंगे। आपकी कुछ ट्यूब्स वाइट बनेंगी, कुछ आपकी ब्लैक होंगी, तो वो सब ऑटोमेटिकली ही बनेंगी। इसके बाद हम प्लेन वाइट जो ट्यूब्स है उसको ले रहे हैं, तो ऐसे ही हम अपनी पूरी लीफ के ऊपर इन ट्यूब्स को पेस्ट कर लेंगे। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला कट करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब हम इसको पलट लेते हैं और हमारा जो ये लीफ का पैटर्न है उसी पैटर्न में हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमारा जो पार्ट बचा हुआ था उसके ऊपर भी हम इन ट्यूब्स को स्टिक कर लेते हैं। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो पेस्ट हो गई हैं। और इसके पीछे हमने ये थ्रेड जो है उसको पेस्ट कर लिया है इसको हैंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है तो थ्रेड की हेल्प से ये इजीली जो है हैंग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं हुक पेस्ट करना तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। सो फाइनली ये ऐसा लग रहा है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Please subscribe my channel. Thank you guys. Take care. Bye-bye.